हेलो, आज है एक ठंडाई। ठंडाई का ये रेसिपी ऐसे है, हमने दो दो स्पून डाला है, दो स्पून काजू और दो स्पून बादाम और दो स्पून पम्पकिन सीड और पिस्ता दो स्पून और 10 से 12 इलायची डाला है और एक स्पून काली मिरी ब्लैक पेपर और एक दो स्पून सौंफ डाला है और एक खसखस पॉपी सीड 1.5 स्पून और एक केसर सेफ्रॉन। अब इन सारे चीज के साथ मैं गुलकंद डालूंगी 1 बड़ा स्पून। गुलकंद जो रेडीमेड मार्केट में मिलता है वही डाला मैंने इसमें। अभी अच्छे से पानी डाल के इसको भिगोने का सोक कीजिए। मिनिमम 2 आवर्स किया तो बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। एक बार मिक्स कीजिए। ओके फाइन। अभी अभी इसको क्लोज करेंगे, लिड डालेंगे और रखेंगे 2 घंटा। अभी 2 घंटे के बाद इसको मैं एक मिक्सी जार में डालूंगी। ये पानी के साथ ही डाल दीजिए। इसको 1 चम्मच भर हल्दी पाउडर, थोड़ा कलर के लिए भी अच्छा है, और चाहिए तो थोड़ा सा पानी ऐड करके एकदम फाइन पेस्ट बनाने का ऐसे। ठीक है, अभी इसको हम थोड़ा स्ट्रेन करेंगे, स्ट्रेनर में डालेंगे। अगर आपको चाहिए तो डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं, बट मैंने अभी भी ऐसे स्ट्रेनर पे ही डालती हूँ। और इसको अच्छे से थोड़ा सा पानी वगैरह डाल के स्ट्रेन करेंगे। ऐसे छानने के बाद देखिए ऐसे जो रेसिड्यू बचता है इसको मैं अभी फेंकूंगी। आपको चाहिए तो रीयूज कर सकते हैं। अभी इसको हम गरम करेंगे, उबालेंगे। अभी गैस के ऊपर रखा है मैंने उबालने के लिए। इसमें शक्कर डालती हूँ, अप्रॉक्सीमेटली 60 ग्राम्स है, मतलब 3/4 कप है। इसको लगातार चलाइए, नहीं तो नीचे पकड़ता है वो। मीडियम आंच पे रखिए। वैसे भी ये एक समर ड्रिंक करके यूटिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि लिए ये फ्रिज में रख के ठंडा बना के ही पीते हैं। ठंडा ही करके होली का टाइम, उतना ही नहीं हेल्दी ड्रिंक भी है ये। अब देखिए इसको ऐसे छोटा छोटा उबाल आने लगा। ऐसे उबाल आते वक्त छोटा ऐसे बॉल होते होते ना हम ऐड करेंगे अभी दूध। करीब 500 ml दूध मैंने इसको ऐड किया है। पहले 1 कप डाला, अभी बाकी का सारे दूध डालती हूँ और गैस बंद करके रखती हूँ। इसका फ्लेवर पूरा वो दूध एब्सॉर्ब करेगा अभी, ताकि ये एक ठंडाई का ना बहुत अच्छे से खुशबू आ जाता है। अभी हम दूसरा बर्तन में ट्रांसफर करेंगे और ठंडा होने के लिए रखेंगे। आपको चाहिए तो थोड़ा ठंडा होते होते नॉर्मल आते हैं ना फ्रिज में रख दीजिए, जल्दी से चाहिए तो। अभी एकदम चिल्ड हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको सर्व करेंगे। बहुत खुशबूदार सैफरॉन का, केसर का, पूरा बहुत इलायची का ऐसे स्मेल आता है कि अब भी पीने का मन कर रहा है। देखिए आप जरूर बनाइए और कैसे लगा आप मेरे से शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियो। थैंक यू।